तो गाइस आप लोग अपने ड्रोन में एक चीज़ तो जरूर से नोटिस किए ही होगे कि आपके ड्रोन में जो प्रोपेलर्स है उनमें ए और बी लिखा हुआ होता है। दो प्रोपेलर में ए लिखा होता है और दो प्रोपेलर में बी लिखा होता है। तो गाइस कभी ना कभी आपके मन में सवाल तो आया ही होगा कि ये क्यों लिखा होता है, ए और बी क्यों लिखा होता है और इनका क्या काम है इधर। तो गाइस इसका दो रीजंस है। एक, क्योंकि फर्स्ट नंबर रीज़न है, इस ड्रोन का दो मोटर्स क्लॉकवाइज घूमते हैं और दो मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और जो ए वाला प्रोपेलर है जो एक्रॉस है, इस ए प्रोपेलर और ए प्रोपेलर, ये घूमता है क्लॉकवाइज। और जो बी वाला प्रोपेलर है ये घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ए वाला प्रोपेलर कुछ इस तरीके से घूमता है और बी वाला प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर इस ड्रोन को स्टेबल करता है। तो और एक रीजंस है जो कि इसके इससे काफ़ी मिलता जुलता है, इसका पिंच यानी कि प्रोपेलर जिधर इसको जिस शेप में दिया हुआ है, ए वाला प्रोपेलर एक शेप में दिया होता है और बी वाला प्रोपेलर सेम दूसरा शेप में दिया होता है। तो बी प्रोपेलर और बी प्रोपेलर आपस में चेंज हो सकता है और ए प्रोपेलर में चेंज हो सकता है, लेकिन कभी भी बी प्रोपेलर ए प्रोपेलर से चेंज नहीं होगी और ए प्रोपेलर कभी भी बी प्रोपेलर से चेंज नहीं होगी। तो जैसे कि आपने जानते हो कि इस ए बी प्रोपेलर इस तरीके से क्यों लिखा हुआ होता है, तो गाइस इसीलिए आज की इस वीडियो में कुछ हम यूनिक करेंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस ए एंटी क्लॉक प्रोपेलर में क्लॉकवाइज प्रोपेलर में एंटी क्लॉक प्रोपेलर लगा के और एंटी क्लॉक प्रोपेलर में हम क्लॉकवाइज प्रोपेलर लगाएंगे। इसका मतलब इस प्रोपेलर का जो मोटर्स है उसको हम चेंज कर देंगे। तो फिर देखते हैं ये ड्रोन क्या तब भी फ्लाई कर पाता है या नहीं, या ये क्रैश हो जाता है। तो जो भी होगा आपके सामने होगा। तो चलेगा आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं, तभी चलो। तो गाइस ये रहा हमारा ड्रोन और इस ड्रोन में एक दो तरीके का प्रोपेलर है, एक है ए और दूसरा है बी, जैसा कि इधर लिखा हुआ है। तो गाइस इस ड्रोन में भी जो चार प्रोपेलर में इधर भी सेम ही प्रोपेलर लगा हुआ है, तो हम सभी प्रोपेलर को पहले खोल लेते हैं, फिर हम इसको एक्सचेंज करेंगे। तो लगभग सारे प्रोपेलर हम खोल लिए हैं। ये मोटर माउंट के ऊपर भी लिखा हुआ है ए बी, जिससे कि हमें पता चल पाए किस मोटर में किस प्रोपेलर को इंसर्ट होगी। तो इधर भी लिखा हुआ है, अब शायद देख सकते हो। तो हम इसको इसमें पूरा उल्टा लगाएंगे, जिधर ए लिखा है सीधर हम बी प्रोपेलर लगाएंगे और फिर इसको टेक ऑफ करके देखेंगे ये क्या फ्लाई करता है या नहीं, या ये क्रैश हो जाता है। तो हम इसमें उल्टा प्रोपेलर लगाते हैं, बी वाले मोटर में हम ए वाला प्रोपेलर लगा दिया है। ऐसे ही हम चारों के साथ करते हैं। और ए वाला मोटर माउंट में हम बी वाला प्रोपेलर लगा दिए हैं। तो हमने सभी को उल्टा लगा दिए हैं, आप इसको देखते हैं फ्लाई करके। पहले मैं आपको इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम। वैसे मेरे इस जॉयस्टिक को लगाया है, ये जॉयस्टिक काफ़ी रिस्पॉन्डिंग है, तो इसको कनेक्ट कर लिया है। फिर इसको स्टार्ट करते हैं। वो तो आसानी से स्टार्ट हो गया है, लेकिन देखने की बात होगी ये कैसे फ्लाई करता है। तो छोटा को थोड़ा ऊपर करते हैं। ओ ये फ्लाई नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो नीचे शायद हवा आ रहा है, तो एक बार इसको फिर से करते हैं। तो इस बार फूल हम छोटल दे देंगे। ओ ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो यह हवा में उड़ नहीं पा रहा है और इसका हवा है जो वो ऊपर की तरफ आ रहा है। वन की देखो लैंडिंग बटन को प्रेस कर भी सेम केस हो रहा है, क्योंकि इसका हवा ऊपर ऊपर जा रहा है, इसीलिए वो थ्रस्ट बना नहीं रहा है नीचे की ओर। तो ऊपर हवा आ रही है इसीलिए उड़ नहीं रही है। आपको समय सुना देता हूँ, हवा तो हवा नीचे नहीं जा रही है, तो ये उड़ेगा कैसे। तो मैंने एक जुगाड़ किया है कुछ इस तरह से। तो हम इसको उल्टा करके इसको हम टेकअप करके देखते उल्टा करके चलता है या नहीं। ओ
क्या हुआ? ओ समझ गया, इसका जायरोस्कोप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसको सीधा करने से सिर्फ कनेक्ट हो रहा है, तो उल्टा होने से इसका जायरोस्कोप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और इसलिए ये फ्लाइन नहीं कर पा रहा है। तो इस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ऑल पर, और आगे भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, पास में बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप उसको तुरंत देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।